आइए जो है आज हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सीटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो देखिए हम लोग जो है अभी सीधे सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग पढ़ने वाले हो क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम लोग तो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं करंट इक्वल टू क्या होता है, ये लगभग मेनली सबको पता है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है। करंट इक्वल क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। और करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो एम्पियर होती है, एम्पियर, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और करंट को हम लोग जो फार्मूले से जानते हैं क्यू बाई टी होता है। एक फार्मूला और होता है चार्ज का, तो क्यूज इक्वल एन ई होता है, क्यूज इक्वल कितना, एन ई। तो करंट का जो फार्मूला दूसरा बनता है वो क्या बन जाता है, तो एन ई अपान टी बन जाता है, ठीक है। एन ई इक्वल कितना हो जाता है, सबसे पहले करंट इक्वल टू बोल सकते हैं पर यूनिट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू करनी, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी मेटल में या कंडक्टर में क्या फ्री होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज होता है। तो आई इज इक्वल कितना बन गया फॉर्मूला, आई इज इक्वल एन ई अपॉन टी जाता है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। और ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है। और ई की जो वैल्यू है, ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ई की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होती है, ठीक है ना। तो दिख रहा है ना एकदम अच्छे से, तो कितनी होती है, तो आपको दिखे बस इसीलिए, ठीक है। कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। तो ये क्या है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अच्छा एक चीज़ और क्या है, कि जो इसको बोलते हैं एम्पियर में होता है, ठीक है, किसको, तो करंट क्यों, एम्पियर होता है। तो जो करंट को मेजर करने की डिवाइस होती होती है क्या, अ मीटर, क्या होती है, अ मीटर होती है, ठीक है। तो अमीटर, इसका मतलब करंट का मेजर में जिस डिवाइस से करते हैं उसको बोलते हैं अमीटर। और अमीटर जो है सर्किट में कैसे ऐड किया था, सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। तो आई इज इक्वल क्यू बाई टी हो गया, और क्यू इज इक्वल एन ई, तो फॉर्मूला आई इज इक्वल एन ई अपॉन टी बन गया। करंट का जो यूनिट है उसको बोलते हैं एम्पियर, और किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो किससे मेजर करते हैं, तो अमीटर से, कि सर्किट में कैसे जुड़ा होता है, सीरीज में। और एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन वन चार्ज। और वन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर इसको हमें सर्किट में मान लीजिए शो करना है, इसको इरेज कर रहे हैं, अगर हमको इसको सर्किट में शो करना है, देखिए सर्किट कैसे बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट ऐसे बनाएंगे, यहाँ पूरे फुल सर्किट बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ऐसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो अगर हम इसको रेजिस्टेंस में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक लगा देते हैं अमीटर, अमीटर में प्लस एंड यहाँ पे माइनस हो गया। और यहाँ पे किससे कनेक्शन देगा, अगर हम अल्टरनेट से कनेक्शन एसी सोर्स से देंगे तो ऐसे लिखेंगे, और या तो फिर बैटरी से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एक देखिएगा, हम लोग एक की यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, की, तो डॉट लगा देंगे, की हो जाएगा। और इसको हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इसके पैरेलल में हमारा होता है एक वोल्ट मीटर, जो अभी हम ऐड करके आपको वोल्ट मीटर दिखा रहे हैं, इस तरीके से वोल्ट मीटर होगा। अमीटर यहाँ हो गया, तो इस तरीके का आपको दिख रहा है ना, पूरा फिगर दिख तो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, देखिएगा
एसी सोर्स दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया, एक यहाँ की लगा दिया, ये रेजिस्टेंस आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ वोल्ट मीटर है, तो इस तरीके का हमारा सर्किट। अगर ये इसको यहाँ से हटा देंगे तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। इसका ओपन सर्किट का मतलब जिसमें ये हुआ कि करंट कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो करेगी, तो करंट का जो है कंटिन्यूअस अगर पूरे सर्किट में नहीं फ्लो करती, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर यही करंट क्या होगा पूरे सर्किट में क्या होगा कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, तो उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट का मतलब कहीं से वायर नहीं टूटा, इसलिए उसको क्लोज बोलते हैं। ओपन में क्या होता है, कहीं से कनेक्शन या की को ऑन नहीं किया गया है, ऑफ में रखा गया तो ओपन हो जाएगा, और ऑफ इसको ऑन कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन और फिगर इस तरीके का आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे और ले लेते हैं। तो आगे क्या है देखिएगा, तो करंट हम लोग जान गए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि करंट के बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर ट्वेल्थ का ले रहे हैं। तो आगे अगर हमको पढ़ना तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या थोड़ा सा इसमें वोल्टेज तो है नहीं, तो वोल्टेज हम लोग ना पढ़ के थर्ड चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है, ओम्स ला के बारे में थोड़ा सा दिया है, ओम्स ला के बारे में दिया है, ठीक है। इस चैप्टर किसके बारे में दिया, ओम्स ला के बारे में दिया है। तो ओम्स ला का हम लोग जानते हैं, अगर फिगर से बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए ऐसे यहाँ पे अगर हमारा V हो और यहाँ पे क्या हो I हो, तो हम लोग ये जानते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पॉइंट वन ले लिया, पॉइंट टू ले लिया, पॉइंट थ्री ले लिया, यहाँ फाइव, यहाँ टेन, फिफ्टीन, फिर ऐसे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लाइन चली जाएगी, मान लीजिए ये लाइन यहाँ से पास करें, ठीक है, यहाँ से। तो हम लोग जानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, एट क्या होगा, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, आर एट कांस्टेंट क्या होगा, फिजिकल फेनोमेना, क्या करेंगे, फिजिकल फेनोमेना को हम लोग क्या कर दे, पूरा कांस्टेंट कर देंगे। देन तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओम्स लॉ में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ में कि अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दे या तो कांस्टेंट फिजिकल फेनोमेना बोल दे, देन तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। तो वी जो है यहाँ पे आई आर के इक्वल हो जाता है, यही आर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट अगर निकालनी है तो आर जुकड़ कितना होगा, वी अपान आई हो जाएगा। वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको वोल्ट में लिखा जाता है, आई को एम्पियर में, और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और इसको हम लोग सिंबल में इस तरीके से ओम के सिंबल से भी बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है ना, आए समझ में। तो आगे देखिएगा, चलिए नेक्स्ट जो है, आए समझ में। तो हम लोग ग्राफ देखें ओम्स लॉ में, तो दो टाइप का ग्राफ होता है ओम्स में, ग्राफ है एक ओमिक है एंड एक नॉन ओमिक है, कि दो टाइप का ओम्स में ग्राफ होता है, ओमिक एंड नॉन ओमिक। कौन सा ग्राफ है, ओमिक एंड नॉन ओमिक, ओमिक एंड नॉन ओमिक ग्राफ, ठीक है। तो ओमिक ग्राफ में क्या होता है, अभी हमने जो बनाया, देखिए ये हो गया हमारा ओमिक का, स्ट्रेट लाइन ओमिक का होता है, और अगर इस तरीके से बना देंगे नॉन ओमिक, इस तरीके से बनाते तो नॉन ओमिक, ठीक है। पर ये क्या है, ओमिक में क्या है, इंक्रीज, नॉन ओमिक में इंक्रीजिंग, नॉन ओमिक है ये, और ये भी क्या है,
नॉन ओमिक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस हो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज। क्योंकि ये वी और आई है, ये आई है और यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है और यहाँ पे आई है, और यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, वी है। इस कंडीशन में ये जो है, यहाँ पे आर क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या है, कांस्टेंट। तो ओमिक में आर कांस्टेंट होता है और नॉन ओमिक में दो टाइप होता है, एक ये, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, नॉन ओमिक, एक में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, एक में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ये ओमिक और नॉन ओमिक की कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग ओमिक नॉन, तो यहाँ टेम्प किसका फैक्टर है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के बोल दें, ठीक है। इसका मतलब है, या तो ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं डायरेक्टली नहीं होगा, इन्वर्सली होगा। तो यहाँ पर वन अपान ऐसे लिख दें, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी कंडक्टर को ले लें, ठीक है, किसी कंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे इंक्रीज डायरेक्टली होता है। और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर, यहाँ क्या है, कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर, और यहाँ क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। यही दोनों फैक्टर है किसमें, तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर में। तो इसमें ये होता है, कंडक्टर में क्यों ऐसा होता है, जैसे मान ली हमारे पास ये कोई मेटल है, इसमें मान ली इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे आगे जा, इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा वो बढ़ जाएगा, ये ज़्यादा कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड ज़्यादा करेंगे तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एंड पे क्या होगा, आसानी से पहुँच जाता है, तो कोलिजन बढ़ने की वजह से ब्रेकिंग होगी और यहाँ पे टाइमली नहीं पहुँच पाएगा एक तरह से, तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब बढ़ गया, करंट कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ाएं पे रेजिस्टेंस ये कम होगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी एक तरह से, यहाँ क्या होगी, करंट इंक्रीज कर जाएगी। आया समझ में, यहाँ पे क्या हो, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, और सेमी करंट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री होती है, जिसकी वजह से वो कोलाइड करेंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा तो ये पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा क्या होता है, करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये और निकल रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का जो फैक्टर होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आया समझ में, यस पापा, हमको यस, अगर 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 इसमें तार लगाएं इधर, बेटा चलिए इलेमेंट सुना दिए फटाफट। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम अमोनियम सिंकन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम
क्रोमियम मैंगनीज आयोडाइड निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम मर्सियम ब्रोम क्रिप्टन रुबिडियम स्टैंटियम नेक्यम जर्कोनियम नेबियस पॉलीबिनम टेक्नीशियम रुथियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम इंडियम आयरन ज़िनान किसमें इसमें ठीक है। तो हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक का देख लिए क्या कंडीशन है कैसा फिगर है ठीक है। अब चलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते कैसे पहले आप लोग हम लोग समझते हैं। देखिए ये मैंने क्या आपको हेडिंग डाल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मैक्सिमम क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा आप लोग समझिए। तो क्या होगा एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाई अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एवरेज जो है एवरेज पॉसिबल जो है वेलोसिटी से वो क्या करेगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे हमने क्या किया हमारे पास देखिए ये कोई कंडक्टर है और हम लोग जानते हैं अगर कोई कंडक्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्री होते हैं ठीक है। तो मान लिया हमने यहाँ पे हमने क्या किया ये इसमें इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मान लीजिए ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आगे की तरफ मूव करेंगे ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है ये कोई कंडक्टर है क्या ये कंडक्टर है ठीक है। ये कोई क्या है कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर क्या करेगा हमारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं पर अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं करते हैं मतलब अगर कंडक्टर को हम किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं करेंगे इट मीन्स इसको हम करंट फ्लो नहीं करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है मोशन का वो रैंडम होगा कैसा होगा रैंडम होगा। और रैंडम होने का मतलब ये हुआ इसको हम बोल सकते हैं जिक जैक होता है जिक जैक। और जिक जैक होगा तब तो ये क्या करेगा जिक जैक में होता क्या है कि ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी किसकी तो इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी इक्वल टू जीरो ठीक है। क्या होगी ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो जीरो हो जाएगी। इसलिए अगर हम अब इसमें क्या करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब क्या है तो इसी कंडक्टर को हमने यहाँ से क्या दे दिया यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया ये यहाँ पे ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये प्लस वाला माइनस ठीक है। तो ये माइनस थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरह और इसका अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता मतलब जो है करंट का अपोजिट जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं क्योंकि करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब क्या होगा इसकी कंडीशन में देखिए कि जो ओवरऑल न्यूट्रल था इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी वो भी इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ओवरऑल इनिशियल ओवरऑल का मतलब समझिएगा कि जैसे हमने दिया U1, U2, U3 प्लस U4 प्लस डैश 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 करके जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे मेटल के अंदर N मान लिया तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो गई थी उसकी जीरो क्योंकि हमने देखा कि क्या है ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ओवरऑल वेलोसिटी अगर जीरो मानेंगे तभी ये न्यूट्रल माना जाएगा नहीं तो न्यूट्रल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट होगा ही होगा। तो हमने देखा करंट नहीं मिलता है तो जिसकी वजह से ओवरऑल वेलोसिटी जीरो रहती है तो ये कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है। तो अब इसमें वेलोसिटी आ गई अगर वेलोसिटी आ गई तो इसका मतलब है करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने का मतलब है कि इसकी ओवरऑल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो चलिए इस फिगर को मैं इरेज करके आपको समझाता हूँ आगे देखिएगा क्या होगा तब इसके अंदर। तो इसके अंदर होगा क्या
कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना तो इसकी वेलासिटी अब इंक्रीज करके फाइनल यू वन प्लस ए टी वन होगी। मतलब ये कि ये क्या करेगा, यू वन जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलासिटी वी वन हो जाती है इनिशियल यू वन प्लस ए टी वन, फिर यहाँ पे बी टू इज इक्वल टू यू टू प्लस ए, मतलब ये कि जो U1 वेलोसिटी चल रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से T1 टाइम में एस ए एस रिलेशन से वो क्या कर रहा, आगे बढ़ा। तो V3 इक्वल कितना होगा, U2 प्लस ये ए टी थ्री होगा, डैश डैश अगर Vn कर दें सबका एक साथ ले लें तो यहाँ पे गा Un प्लस ए टी एन हो जाए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये सब का एक साथ ले लिया क्या कि फाइनल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन थे क्या होगी। अब ओवरऑल अगर हम लेते हैं क्या एवरेज वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस डैश डैश वी एन करके अपान एन, ये क्या होगा फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू हम रखेंगे यू वन प्लस ए टी वन प्लस यू टू प्लस ए टी टू प्लस यू थ्री प्लस ए टी थ्री प्लस डेड, तो बी डी जो होगा वो क्या होगा यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन डायरेक्ट करके एन कर दे रहे हैं और प्लस ये वाला ए वाला ए कामन करके टी वन प्लस टी टू प्लस डैश डैश टी एन अपान एन कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया ओवरऑल, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है जो क्या है एवरेज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन प्लेस इन, तो ये मिल गया आपको देखने को, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा जगह है तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखेंगे क्या, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई इक्वल टू यू ओवरऑल, ये हम लोग जानते हैं पहले से इनिशियल जीरो होता तो बचा क्या ए, और टी वन टी टू टी एन अपान एन को हम लोग सीख लिख सकते हैं टाऊ, ठीक है, तो ए टाऊ हो गया। अब ध्यान से देखिए टाऊ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है द टाइम टेकन या मैक्सिमम टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मैक्सिमम टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी इक्वल टू ए टाउ हो गया, ये इसको इरेज करते हैं। आपको समझ आया क्या हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ से कि वी डी इक्वल टू मिल गया ए टाउ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ मिल गया, वी डी इक्वल टू कितना ए टाउ मिल गया। अब करना क्या, वी डी इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल टू होता है, नहीं या तो ऐसे करिए एफ इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, यही होता है ना। तो पहला अगर हम ये बात करेंगे तो हमारा कितना होगा मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू ले लेते हैं तो ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ कितना होगा एफ बाई एम होगा। एफ की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो एफ क्या है इलेक्ट्रॉन हो गया और एफ इक्वल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसलिए ई लिख दिया अपान एम हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू हम लोग यहाँ रख दें इस ए की जगह तो मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा था इसलिए अच्छा हो। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नीचे वाला दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हम लोग प्रूफ किए तो हमारा देखिएगा बी डी इक्वल टू हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए टाऊ आ गया। और हम लोग जानते फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ए इज इक्वल टू एफ अपान एम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो फोर्स की वैल्यू हम लोग पढ़ें एफ इक्वल टू कितना होता है, तो क्यू ई होता है फॉर्मूला पहले ही, एफ इक्वल क्यू ई पढ़ें तो इसकी यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ चार्ज होता है तो यहाँ ई क्या चार्ज ई और ई हो जाएगा हमारा। और इसको ले आके हम यहाँ रखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक प्रूफ आ गया हमारे पास, कितना ई ई टाऊ अपान एम। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ हो गया किसके टर्म में,
इस टाव को टर्म देखिएगा, हम लोग प्रूफ कर दिए कि बी डी क्या है, डिप प्लास्टिक का जो फार्मूला होता है ई टाव अपान एम, ये एक प्रूफ हो गया हमारा ई टाव अपान एम, ठीक है ना। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्सेशन टाइम टाउ मतलब रिलैक्सेशन, अब यहाँ समझना है तो आप लोग, हम लोग जानते हैं वी डी क्या होता है, डिप्ट वेलोसिटी होता है, डिप्ट वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। ई क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। टाउ मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, दिख रहा नीचे तक ना, रिलैक्सेशन टाइम। और क्या बचा है, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू आ गई। आए समझ, तो देखिए ये प्रूफ है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ड्रिप प्लास्टिक का प्रूफ। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे ले लेते हैं, क्या हम लोग को और आगे पढ़ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं मोबिलिटी भी पढ़े होंगे हम लोग, मोबिलिटी, जिसको क्या किससे डिनोट करते हैं हम लोग मोबिलिटी को, तो म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, दिख रहा है ना, मोबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, देखिए म्यू से डिनोट करते हैं मोबिलिटी को। तो मोबिलिटी जो है, क्योंकि मोबिलिटी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, ठीक है, मूव करते तभी मोबिलिटी होती है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग जानते कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है या मोबाइल होता है तभी मोबिलिटी आती है। तो उसका रीजन क्या है, डिप्ट वेलोसिटी और अपान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, या उसमें करंट अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो उसकी वेलोसिटी डिप्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो डिप्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो अगर हम इसको अभी फार्मूले से देखिए, हमने जो बी डी की वैल्यू निकाली थी, वो डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, तो ई अपान एम टाउ, ये वैल्यू आ गई थी। तो अगर डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख देते, चलिए यहाँ रख देते हैं, दिख रहा है ना, बस दिखना चाहिए थोड़ा। तो अब आगे लेते हैं, देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू ई टाउ, और यहाँ पे रखेंगे M और E, देखिए हमारा पहले से, तो E से ही कट जाएगा, बचेगा E tau अपान M। ये हो गया हमारा मोबिलिटी का फार्मूला, बन गया E tau अपान M मोबिलिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो आए समझ में मोबिलिटी, मोबिलिटी समझ में आ गया, द रेशियो ऑफ क्या होगा, डिप्ट वेलोसिटी एंड पर यूनिट अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी क्रम में, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ आए। देखिए अब हम लोग अभी जैसे ओम्स लॉ पढ़े, कंडक्टर पढ़े, तो उसमें हम लोग देखे होंगे रेजिस्टेंस आया था, क्या था, रेजिस्टेंस हम लोग देख लिए कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस का फैक्टर, देखा क्या मतलब, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या है, या किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो किस फैक्टर पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो देखिए कैसे होता है, क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि पढ़ें कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, इसका मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, अगर भैया अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता तो करना क्या पड़ता है, तो लंबाई बढ़ा दो बस, क्या करो कि रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ा दो, अपने आप ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक मीटर तार हो, जैसे अगर L की वैल्यू हमने ले लिया 1 मीटर, नियर अबाउट मान लो इसका रेजिस्टेंस हमने बता दिया 1 मीटर का वायर है, चलो हमने लिख लिया इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, क्योंकि वो डिपेंड करता है मोटाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पर,
ठीक है। चलिए अगर हमने क्या कर दिया, इसकी लंबाई को बढ़ाकर 2 मीटर कर दिया और सब कुछ सेम रहा तो इसका हो जाएगा 200 ओम, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप ही इंक्रीज करने लगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला यहाँ से ये वाला हो गया। दूसरा, रेजिस्टेंस को कम करना है तो क्या करो, मोटाई को बढ़ा दो। रेजिस्टेंस को कम करना है तो मोटाई को बढ़ा दो, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दो, तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें करना क्या है, मान लीजिए हमने ले लिया कि रेजिस्टेंस है ये और इसका कोई रेजिस्टेंस है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं 1.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बाद में इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे R को फिर बदल के हम ले लें कितना, तो अगर हमको रजिस्ट एरिया क्या करना है, रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर ये कम है, अगर इससे बढ़ा के 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे तो इस वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मोटा तार हो तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पतला तार होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना तो मोटाई बढ़ा दो, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये कंडीशन, अब देखिएगा हम लोग इन दोनों को मिला के लिख क्या सकते हैं, ये देखना आपको। तो ये हम यहाँ लाते हैं पहले, तो देखिएगा, तो दोनों मिलाएंगे तो R इनवर प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो R इज इक्वल टू, अगर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन लाएंगे तो रो L बाई A। रो क्या है, ये रो है हमारी रजिस्टिविटी है, ये क्या है, रजिस्टिविटी है, या इसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रजिस्टेंस बोलते हैं, फिक रजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमें इसका फार्मूला अगर बनाना है, ये हमने लगा दिया तो यहाँ पे आर हो जाएगा, तो रो इक्वल टू अगर फार्मूला बनाना होगा तो हो जाएगा आर ए बाई एल, ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला। और इसको हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट कितना होगा इसका, तो होगा ओम मीटर, ठीक है, क्या होगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसी से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं इसका फार्मूला, तो रेजिस्टिविटी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू मिल जाता है रेजिस्टिविटी के आगे, ठीक है, तो कंडक्टिविटी भी होता है ना, क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दो चीज़ होता है। तो देखिए अगर हम लोग क्या करें, आपका अगर कंडक्टेंस दिखाना हो, क्या दिखाना हो, कंडक्टेंस, अगर कंडक्टेंस लिखना हो, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होगा, इसको सिंपली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग ये देखें तो जी से बोलते हैं, कंडक्टेंस को जी से बोलते हैं, और जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडक्टेंस डिफिनीशन क्या होती है, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इसका मतलब ये हो गया, इससे क्या क्लियर होता है कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, कंडक्टेंस का ही मतलब हुआ ना, कि करंट जितना ही रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा, करंट उतना ही कंडक्टिविटी, उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कंडक्शन नहीं होगा, सीधी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो इनवर्स के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को अगर इसकी यूनिट की बात बोलें तो रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो ये क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स हो जाएगी, है ना। तो ये छोटे छोटे फैक्टर होते हैं। अब आगे चलिए और ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, इसका ये देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारा कंडक्टेंस, तो दूसरा उल्टा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, देखिए इन उसके इनवर्स को क्या बोलते हैं, ये कंडक्टेंस था,
तो अगला वाला जो उल्टा होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस के बाद हमारा आता कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से, ठीक है। क्या होता है कंडक्टेंस का मतलब होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, और इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ जो है, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्ट, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या बनेगा, तो इसका कितना ओम मीटर था, तो ओम इनवर्स एन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई है, किसकी, कंडक्टिविटी की। तो अभी हमने क्या लिखा कि G इज इक्वल टू 1/R, तो इसकी यूनिट कितनी थी, ओम इनवर्स थी। तो ये है कंडक्टेंस और ये है कंडक्टिविटी, लगता है एक ही है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसका यूनिट होता है सीएमएन मीटर इनवर्स, क्या होता है सीएमएन मीटर इनवर्स होता है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग आगे लेते हैं।